हरिद्वार महाकुंभ 2021 अपने निर्धारित समय पर ही होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते महाकुंभ के स्वरूप को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी अगले साल फरवरी में महाकुंभ के स्वरूप को लेकर निर्णय लेने की बात कह चुके हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर लग रहा है कि हरिद्वार में महाकुंभ का स्वरूप भव्य और दिव्य होने की संभावना है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाकुंभ मेले के स्वरूप व इसकी तैयारियों के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबाएं, जिससे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेला 2021 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार कुंभ मेले के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य होगा। मेला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण समय पर पूरा कर लिया जाएगा। कुंभ मेले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बरकरार रखते हुए कोरोना को देखते हुए सुरक्षित आयोजन किया जाना है। इस संबंध में अखाड़ों के संत महात्माओं का मार्गदर्शन और सहयोग भी लिया जाएगा। कुंभ के सभी स्थायी प्रकृति के काम पूरे कर लिए जाएंगे तथा स्वास्थ्य विभाग सामान्य रूप से होने वाली तैयारियों के साथ ही कोरोना को देखते हुए भी योजना बनाकर काम करें। इसके लिए हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा तथा लगभग 500 डॉक्टर्स की व्यवस्था भी की जाएगी। एम्बुलेंस की भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। बाइक एम्बुलेंस और बोट एम्बुलेंस के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सभी धर्मशालाओं, आश्रमों व होटलों को कोविड 19 के खतरे को देखते हुए क्या करें और क्या ना करें के अनुसार गाइडलाइंस उपलब्ध कराने के साथ ही वहां काम करने वालों को जितना भी हो सके उनको ट्रेन किया जा रहा है। सभी काम समय पर पूरे हों इसके लिए दो शिफ्ट में भी काम किया जा सकता है तथा व्यापार मंडल के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार में सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके ज़रूरी काम भी कराए जाएंगे। पूरे कुंभ मेले क्षेत्र को 23 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। किसी भी इमरजेंसी स्थिति के लिए अतिरिक्त टीमें रिजर्व में रहेंगी। उत्तराखंड पुलिस कुंभ मेले के लिए भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण की रणनीति की योजना पर काम भी कर रही है। इसके अलावा प्रयागराज की तरह ही हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को भी महाकुंभ 2021 से पहले भगवा रंग में रंगने की तैयारी है। दीवारों पर आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ी वॉल पेंटिंग भी कराई जाएगी। खास बात यह है कि बाजारों में कुंभ मेले के दौरान हर की पौड़ी से जुड़े तमाम रास्तों में हर एक दुकान के बोर्ड का कलर, साइज और लिखावट एक ही रंग के कराने की योजना है। सब कुछ एक जैसा होने से बाजार का नज़ारा देखने लायक होगा। मेला प्रशासन जल्द ही व्यापार मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी योजना को अंतिम रूप देगा। तो दोस्तों, ये थी 2021 में होने वाले हरिद्वार मेले की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करिए, जिससे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।